तो गाइज जैसे कि आप सब जानते हैं, आज था क्राउन जूल पे पर व्यू, जहाँ पर गाइज मेन इवेंट में हमें ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के बीच ज़बरदस्त मैच देखने को मिला। और गाइज मैच की शुरुआत काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से होती है और यहाँ पर ब्रॉक लेसनर एक के बाद एक जर्मन सुप्लेक्स लगाते हैं, उसके बाद रोमन रेंस वापसी करते हैं, स्पीयर लगाते हैं लेकिन ब्रॉक लेसनर कर जाते हैं किकआउट। उसके बाद ब्रॉक लेसनर यहाँ पर F5 लगाते हैं लेकिन रोमन रेंस बिल्कुल एंड में किकआउट करते हैं। उसके बाद ब्रॉक लेसनर वापसी करते हुए एक बार फिर से F5 लगाते हैं लेकिन रोमन रेंस रेफरी के ऊपर गिरते हैं और इसका फ़ायदा उठाकर गाइस ब्रॉक लेसनर कवर करने जाते हैं लेकिन रेफरी उठता नहीं है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर पॉल हेमन, रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर दोनों के बीच में यूनिवर्सल चैंपियनशिप फेंकते हैं और दोनों सुपरस्टार यूनिवर्सल चैंपियनशिप को अपनी तरफ खींचते हैं लेकिन यहाँ पर टाइटल लगता है ब्रॉक लेसनर के हाथों। ब्रॉक लेसनर फिर अटैक करने की कोशिश करते हैं लेकिन यहाँ पर उसोस आकर अटैक करते हैं ब्रॉक पर, इसका फ़ायदा उठाते हैं रोमन रेंस और वो यूनिवर्सल टाइटल से अटैक कर देते हैं ब्रॉक लेसनर पर। उसके बाद हमें रेफरी देखने को मिलता है जो कि अगर पिन कर देता है और गाइस इस तरीके से उसोस और पॉल हेमन की मदद से इस मैच को जीत लेते हैं रोमन रेंस और वो यहाँ पर अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को कर जाते हैं रिटेन और इस तरीके से गाइस क्राउन जूल 2021 का एंड हो जाता है। और गाइस जिस तरीके से इनके मैच की फिनिश थी, लगता है कि आगे इनकी स्टोरी लाइन कंटिन्यू होगी। और गाइस बस आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस इस वीडियो को लाइक किया बिना तो कहीं मत जाना और साथ ही साथ आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन ताकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी WWE से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।